देव नारायण भगवान की, साधु माता की, सवाई भोज की, वीर गुजर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे सभी समाज के भाइयों और बहनों, मैं इस विशाल विवाह सम्मेलन के लिए आयोजक देवीलाल जी गुजर, पूर्व सरपंच सुदान सिंह जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस बोर्डी गांव के अंदर 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया है। वीर गुजर समाज स्वाभिमानी और देशभक्त समाज है, जिस समाज ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद आज हमारी देश की सीमाओं पर हमारे नौजवान सैनिक भाई सेना में, अर्धसैनिक बल में देश की रक्षा और सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। गुवर समाज, गुजर समाज की वजह से ही जो जंगल बचे हुए हैं, उन जंगलों को बचाने में और प्रकृति से प्रेम करने में, क्योंकि आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी दिवस के इस उपलक्ष्य में गांव के अंदर प्रकृति को संरक्षण करना, गांव को संरक्षण करना, गौ माता की पूजा करना और एक समाज सेवा के रूप में लोगों को दूर सरोवर जंगल में लेकर उनको दूध बेचकर उनकी सेवा करने का काम गुजर समाज ने किया। गुजर समाज के इतिहास को आप देखेंगे तो देवनारायण भगवान जी ने किस तरीके से गुजर समाज को एक संस्कार दिए, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, दिशा दी और शूरता वीरता का एक संस्कार दिया। साधु माता के बारे में तो आप सब जानते हैं, कितने उदाहरण मैं दे दूं, पन्ना ढाई से लेकर कितने उदाहरण दे दूं, जिन बलिदान की गौरवशाली परंपरा इस समाज की रही है और इस गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसीलिए आज भी समाज की सेवा करने में गुजर समाज कृत संकल्प होकर काम कर रहा है। गुजर समाज ने अपने समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए भी एक अच्छी शुरुआत की है। किस तरीके से हम सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से एक छत के नीचे इकट्ठा होकर और सबकी शादियों आज गुजर समाज के कोटा भूमि मिलाकर कम से कम 25 सम्मेलन हो गए, हर गांव के अंदर, ढाणी के अंदर, क्योंकि अगर समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना है, सामाजिक चेतना लानी है तो हमें सामूहिक बैठना पड़ेगा। और इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन के माध्यम से पूरा समाज एक छत के नीचे आया है और आज वर वधु का पढ़ने उस संस्कार यहां पर होने वाला है। मैं वर वधु को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, विशेष रूप से उनके माता पिता को शुभकामना देता हूं जिन्होंने अपने बेटे और बेटी का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने का निर्णय किया। हम सबको इस समाज में शिक्षा में अलग जगाना है। हम गांव ढाणी के अंदर बैठे दूर दराज जंगलों में बैठे हम अभाव में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आने वाला समय हमारा है और इसीलिए हर गांव में रहने वाला दूर दराज का व्यक्ति अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दे, उच्चतम शिक्षा दे,
ये संकल्प हमें लेना है। जिस समाज देश में शिक्षा का उजाला पहुंचा है उस समाज और देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। अगर हमें समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करना है, नए युग की शुरुआत करनी है, तो आज ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम हमारे बेटे बेटी को उच्चतम शिक्षा देकर देश और प्रदेश में हमारा नौजवान व्यक्ति करे, ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे सरपंच साहब का निमंत्रण आया तो मैंने दिल्ली में तय किया था कि निश्चित रूप से मैं आपके सम्मेलन में आऊं, पहले भी आ नहीं पाया था, लेकिन इस बार आपके सम्मेलन जरूर आऊंगा। आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहता है, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोटा से दिल्ली तक किसी भी तरह का काम हो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।